हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। सेटिंग अप अ बिजनेस एंटिटी एंड क्लोजर, ये सब्जेक्ट काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और बहुत सारे बच्चे जो हैं इस सब्जेक्ट के लिए मॉड्यूल रेफ़र कर रहे हैं। तो जो बच्चे मॉड्यूल रेफ़र कर रहे हैं या जो भी कुछ भी रेफ़र कर रहे हैं, मैं उनको डेफिनेटली बोलूँगा कि एक बार ये बुक देखें आप। और डेफिनेटली मैं चाहूँगा कि आप सब ये किताब से पढ़ें, क्योंकि इस किताब के पीछे बहुत मेहनत की गई है। चलिए, तो ये बुक सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये थोड़ा सा मैसेज है। ये बुक हम लोगों ने सेम जैसा कि मेरे बाकी के नोट्स रहते हैं, पहले हम लोग हाथ से लिखते हैं हर एक चीज़ और उसके बाद टाइप राइट करवाते हैं जहाँ जहाँ पे ऐसा कर सकते हैं। तो ये चैप्टर वन है। क्या चैप्टर वन? तो क्या काफ़ी सिंपल है। मैं थोड़ा सा पीछे आऊँगा जहाँ पे चार्ट वर्ड का यूज़ किया है। निधि कंपनी, जैसे कि निधि कंपनी का टॉपिक ना, ये काइंड्स ऑफ कंपनी से बड़ा परेशान करते हैं। बहुत थोड़ा सा लैंग्वेज जो है पूरा मॉड्यूल में बैरक का उठा के कॉपी किया है, तो हम लोगों ने थोड़ा सा उसको इजी लैंग्वेज में कोशिश किया कन्वर्ट करने का। आप प्लीज़ देखिएगा इस चीज़ को, आप रीड भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर कंपनी क्या है, निधि कंपनी के बारे में पीछे भी हमने काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो ओवरऑल मैं बताना चाहता हूँ कि काफ़ी मेहनत की गई है इस किताब के ऊपर। फिर ये है चार्टर डॉक्यूमेंट्स वगैरह, जो MOA AOA वाला टॉपिक है, ये आप देख सकते हैं। देन इसमें भी हम लोगों ने कंपनीज एक जहाँ पे आता है, हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि वी गो थ्रू सेक्शन, सेक्शन के थ्रू जाएँ, सेक्शन के हिसाब से जाएँ। देन रेजोल्यूशंस वगैरह एग्जाम में पूछते हैं, तो हमने वो रेजोल्यूशन वगैरह अलग से डाले हुए हैं। उसके बाद अगर मैं और पीछे आ जाऊँ, LLP एक्ट भी हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से बनाया है, काफ़ी ईजी लैंग्वेज में डाला है। उसके बाद आपको पता होगा मेरी एक स्टूडेंट थी स्नेहा, शी स्कोर्ड अराउंड 74 इन SBEC, शी ऑल्सो रेड फ्रॉम दिस बुक। बच्चों, मैं इस बुक को इतना प्रमोट क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये बुक पढ़ें। दिस इज़ अ रियली नाइस बुक। और हमने कोशिश की है कि जहाँ पे, जैसे आप ये देखिए, कन्वर्जन ऑफ सेक्शन 8 कंपनी इनटू कंपनी ऑफ अदर काइंड, ये चैप्टर अलग से है कन्वर्जन का। तो इसके अंदर जो प्रोसीजर चेंज हुई है, ये प्रोसीजर भी हमने डाली हुई है। फिर कन्वर्जन रिलेटिंग टू OPC हमने ऊपर सारे सेक्शन बताए हैं। फिर कंपनी इनकॉर्पोरेशन रूल्स कौन से अप्लीकेबल होते हैं वो हमने बताया है। फिर चलिए, ये सब तो ठीक है सर, वो हमको ना सबसे ज़्यादा परेशान तो वो करता है, वो जो पार्ट टू है ना, लेबर लॉस वगैरह। यस, तो ये हम लोगों ने, आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा कोशिश यहाँ पे यही है कि चीज़ें आपको आसान करके बनाई जाएं। जैसे कि आप कॉपीराइट देखिए, तो कॉपीराइट के बारे में हमने लिखा है, इट्स एन एक्सक्लूसिव राइट। फिर कौन कौन से वर्क में उसके एग्जाम्पल्स हमने दिए हुए हैं। फिर असाइनमेंट, और ये आप लैंग्वेज देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट। तो मैं बाकी सब ठीक है, बट लैंग्वेज थोड़ा सा मैटर करता है। चलिए, अब एक और लॉ है जो बच्चों के पढ़ने बहुत जान पे आता है, ट्रेड यूनियंस एक्ट। अब वो मॉड्यूल में पूरा उन्होंने ट्रेड यूनियन एक्ट का आधा आधा कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कॉपी कर डाला है। तो यहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी ईजी वे में, आसान तरीके से उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने उठाए हैं और सब कुछ हमने दिया हुआ है बच्चों। और इस बार का जो एग्ज़ाम था, मैं आपको बता दूँ, पूरे इनफैक्ट जो ऑप्शनल क्वेश्चन थे वो भी इसी किताब से आए। आप जब जिन लोगों के पास ऑलरेडी ये किताब है, वो लोग इस बार का एग्ज़ाम पेपर देख सकते हैं, एंड देन दे कैन बता सकते हैं कैसी लगी उनको ये बुक। तो बच्चों, ये बुक मेरे साइड से आपको एकदम मस्ट रिकमेंडेड बुक है, और डेफिनेटली ये बुक आप ऑर्डर कर सकते हैं बच्चों। आप 4x8=30, 4x6 मेरा ही नंबर है, और मैं इस एक और नंबर डालूंगा इस वीडियो के नीचे, तो उसमें आप नंबर देके आप ये ऑर्डर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।